रिसेंटली माई यंगर कज़िन गॉट एंगेज्ड और अब आर्टिस्ट घर का है तो चीज़ बाहर से क्यों आए। तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक रिंग प्लेटर बना के दो। तो आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वो टाइम में कम्प्लीट भी हो जाए और दिखने में भी एलिगेंट लगे। तो मैंने यहाँ जो केक की प्लेट आती है ना वो केक के शॉप से ली थी। अब उस पर मैंने दो थर्माकोल के पीसेस अटैच किए एंड उसमें हमारी ट्री की ब्रांचेस इंसर्ट कर दी। बाय द वे ये जो थर्माकोल के पीसेस है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक के साथ आए थे इसलिए मैंने यूज़ करे, बट आप EPE फोम शीट यूज़ करना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। रिंग्स रखने के लिए मैंने एक पेपर का बॉक्स क्रिएट करा था और मेरे पास ये स्पॉन्ज के पीसेस थे तो मैंने वेलवेट पेपर से उन्हें कवर कर दिया है। अब ये दोनों पीस मैं वो बॉक्स में फिक्स कर रही हूँ यूजिंग ग्लू गन। अब दोनों साइड से मैं इसे होल्ड कर रही हूँ। यहाँ मैं ये ट्रांसपेरेंट थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। जैसे हम बाकी चीज़ों में सिंपल नॉट टाई करते हैं वैसे ही मैंने किया है। बीच में मैंने स्लिट कर दिया है सो दैट रिंग रख सके उसमें। अब ये लेसेस मैं डेकोरेशन के लिए लगा रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। और जो हमारा ट्री ब्रांचेस का पोर्शन विजिबल है उसे मैं कवर कर रही हूँ ये हैंडमेड गजरे से। बाय द वे अगर आपने इस हैंडमेड गजरे की वीडियो नहीं देखी होगी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टू चेक इट आउट। अब ये मैं जिप्सी फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ, जो ऊपर की लाइन है उसे हम कवर करेंगे। अब ये जो एंगेजमेंट टैग मैंने ऊपर लगाया था somehow I didn't like it, so मैंने वापस उसे निकाला, नीचे का पोर्शन कट करा और नीचे के साइड ही उसे प्लेस कर दिया। अब यहाँ मैं प्लास्टिक के रोजेस ऐड कर रही हूँ बिकॉज फंक्शन इवनिंग में है तो असली वाले फूल मुरझा जाते हैं। यहाँ मैंने ये LED लाइट्स लगाई है एंड हमारा एंगेजमेंट रिंग प्लेटर रेडी है। आई विश मैं ग्रूम और ब्राइड का भी रिएक्शन इसमें ऐड कर पाती, बट फोटोज़ एंड वीडियोज़ आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक आप ये वीडियो देख लो एंड हाँ पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।